नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा गया है। इमरान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही औंधे मुंह गिर सकती है। उनकी अपनी पार्टी के कुछ चेहरे उनसे दगाबाजी कर सकते हैं और एक बार फिर से यहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जी हां, 25 मार्च को वो तारीख होगी जब पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। यही वो तारीख होगी जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाएगी। माना जा रहा है कि इसी दिन इमरान खान की सरकार के शासन का अंत होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के अलावा उनकी अपनी पार्टी में भी उनके खिलाफ बगावत के सुर तेज हो चुके हैं। इस बात का अंदेशा इमरान खान को भी है, लिहाजा वे अभी से विरोधी दल के नेताओं पर खरीद फरोख्त के आरोप मढ़ने लगे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक इमरान खान के 24 सांसदों ने उनसे बगावत कर ली है और सरकार की कार्रवाई के डर से वे सभी छिपे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक बागी तेवर वाले 24 सांसदों का कहना है कि अगर इमरान सरकार उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन ना लेने का भरोसा दिलाए तो ही वे संसद में पहुंचेंगे। हालांकि वे वोटिंग किस पक्ष में करेंगे, इस सवाल के जवाब में उनका कहना है कि सभी सांसद अपनी समझ से वोटिंग करेंगे। यानी संकेत साफ है कि हालात इमरान सरकार के लिए माकूल नहीं है। इन हालात में इमरान खान सरकार अब यही कोशिश कर सकती है कि वो किसी तरह अपने इन बागी 24 सांसदों को अयोग्य करार दिलवा दे। वहां के नियमों के मुताबिक अगर किसी राजनीतिक दल के चुने गए विधायक अपनी ही सरकार के नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के पास फिलहाल 155 सांसद हैं, जबकि सत्ता में बने रहने के लिए उसे कम से कम 172 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में उसके अपने सांसदों के बागी तेवर ने उनकी सत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो 25 मार्च को बच पाएगी या अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।